कभी बहुजन समाज पार्टी के चाणक्य रहे, वर्तमान में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा पूरे लाव लश्कर के साथ अपनी भागीदारी यात्रा लेकर ललितपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अनेकों जगह लोगों को संबोधित किया। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ चल रहा सैकड़ों गाड़ियों का काफिला पूरे बुंदेलखंड में एक अलग ही संदेश देता नजर आ रहा है। इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन में बाबू सिंह के साथ उमड़ रही हजारों की भीड़ से सुखबुगाहट होनी शुरू हो गई है। देखें हमारे संवाददाता शिवांग श्रीवास्तव के साथ बाबू सिंह कुशवाहा की ये खास रिपोर्ट। हम इस समय चल रहे हैं जन अधिकार पार्टी के तत्वावधान में चल रही भागीदारी यात्रा के साथ। हमारे साथ मौजूद है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के चालक के कहे जाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा। वो बड़ी तादाद में गाड़ियों का काफिला लेकर बुंदेलखंड में दूसरे फेज की भागीदारी यात्रा को लेकर चल रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। बाबू सिंह जी, जनहित टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बताइए। कुछ पर्सनल सवाल जो हम आपकी जिंदगी के जानना चाह रहे हैं कि ये यात्रा आपकी लगातार चल रही है, इसमें आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रखते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। सब लोगों का आशीर्वाद है, स्नेह है, दुआएं हैं लोगों की, तो फिट है अपने आप में मैं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप देख रहे हैं कि जहाँ जाते हैं तो हमारे जो साथी हैं जन अधिकार पार्टी के, सब जगह हम 100-200 लोग रहते हैं, सब जगह खाने पीने का इंतजाम करते हैं, रुकने का इंतजाम करते हैं, जो उनसे टूटा फूटा होता है। और मेन तो सभी गरीब की और कमजोर की दुआएं हमारे साथ में हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे काम हम करते हैं। आपके साथ अलग अलग समाज के, ओबीसी समाज के, प्रजापति समाज के भी नेता चल रहे हैं, विश्वकर्मा समाज के भी नेता चल रहे हैं, लोधी समाज के भी नेता चल रहे हैं, क्या ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ओबीसी को लेके कवायद आपकी भागीदारी यात्रा दिखाएगी? नहीं, खाली ओबीसी की बात नहीं है, हम सबकी बात करते हैं। हमारा तो नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन ये नारा कुछ लोगों को कम समझ में आता है, जिनकी ज्यादा बन गई है तो उनको लगता है कि अगर ये नारा पूर हो जाएगा तो उनकी बिगड़ जाएगी। तो हम किसी के खिलाफ नहीं है, चाहे वो हमारे ओबीसी के हैं, अल्पसंख्यक समाज के साथी हैं, या दलित भाई हैं, हमारे आदिवासी हैं, हम तो अपर कास्ट के भी साथियों को चाहते हैं कि उनके साथ भी ना इंसाफी हो, उनकी भी जितनी संख्या हो उस संख्या के हिसाब से भागीदारी हो। लेकिन ये जब नारा हम लगाते हैं तो कुछ साथियों को थोड़ा खराब लगता है, ये तो हम महसूस करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके उत्तर प्रदेश में अब इंडिया एक गठबंधन है, दूसरा एनडीए भी चुनाव लड़ेगा, तो क्या बाबू सिंह कुशवाहा तीसरा गठबंधन का सबसे बड़ा नेता बन के उभरेगा? देखिए, अभी हम लोग तो, हमारे साथी रामचंद्र कच्चर जी हमारे साथ में हैं और अभी हमारी किसी से कोई बातचीत हुई नहीं है, तो जब कोई बातचीत हो जाएगी तो हम जरूर आपसे बताएंगे। लेकिन हम अपनी तैयारी अभी कर रहे हैं, जन अधिकार पार्टी की तरफ से अपनी तैयारी कर रहे हैं पूरी मजबूती से कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बुंदेलखंड में कैसा समर्थन मिला है? अभी आपने 3 जिले जो है बुंदेलखंड के घूम लिए हैं। बुंदेलखंड में भरपूर समर्थन लोगों का, भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद, पूरी तरह जन अधिकार पार्टी के साथ के। और वैसे भी मैं बुंदेलखंड का हूँ तो बुंदेलखंड के लोग तो मुझे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। हमारे साथ मौजूद थे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा। जनहित टाइम्स के लिए शिवांग श्रीवास्तव।